ऐसा सोच रहे हैं कि स्ट्राइक है या स्ट्राइक होने वाली है, वजह क्या उसकी? तो बोल रहे हैं कि अभी जो नया कानून इंडियन पिनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, वो जो नया कानून आने वाला है उसमें ड्राइवर लोग है उनके खिलाफ सजा बढ़ा दी गई है, इसकी वजह से ये सब हो अल्लाह हो रहा है। पर ये सब लोगों की अज्ञानता है, किसी को पता नहीं है कि ये कानून बनाने का कारण क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, और सही में क्या कानून आया है। जो पुराना कानून था और नया कानून है उसमें बहुत बड़ा तफावत नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा होगा आए दिन लास्ट 5-10 साल में ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट कार के द्वारा भी होते हैं कि बहुत स्पीड में कार चलाते हैं, 100, 150, 200 की स्पीड तक कार चला के चले जाते हैं और एक्सीडेंट करके कोई लोग एक या एक से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन करने की बारी आती है तो ऐसी कार या कुछ भी मिलता नहीं है, ड्राइवर कौन है क्या नहीं। तो जो लोग मर जाते हैं उसके फैमिली को कुछ ना कुछ मुआवजा मिले, उसके लिए ये कानून में ये प्रावधान। इसकी पीछे की वजह ये है कि कोई एक आदमी है वो पूरे फैमिली का भरण पोषण करता है, उसको खाना पीना देता है, बाहर कमाने जाता है। आप लोग ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, तो आप लोग आसाम से गुजरात आते हैं, गुजरात वाले तमिलनाडु जाते हैं, पूरे देश में घूमते रहते हैं, किस लिए? पैसे कमाने के लिए। पर ये कानून जो है वो आपको ड्राइवर यानी सिर्फ आप ट्रक ड्राइवर हो उसके लिए नहीं है, जो भी फोर व्हील चलाता है, जो भी टू व्हील चलाता है, सभी के लिए वही है। अगर मैं भी मेरी कार लेके चलूं तो मेरे ऊपर भी ये कानून लगता है, और ये तब लगता है। इसमें दो है, जो कलम है उसमें दो प्रावधान है। एक वैसा है कि अगर आपसे एक्सीडेंट हुआ है और कोई आदमी मर जाता है तो उसकी 5 साल की सजा है। दूसरा क्लोज, दूसरा प्रावधान ये है कि अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हुआ है और आप अपनी गाड़ी लेके भाग जाते हैं, आप खुद भी भाग जाते हैं और किसी को पता नहीं करते हैं, तो वो दूसरा प्रावधान है, वो है कि वो उसमें 10 साल की सजा की। अगर आप एक्सीडेंट हुआ है, आपकी गाड़ी छोड़ के नज़दीकी जो भी पुलिस स्टेशन है, नज़दीकी जो भी मैजिस्ट्रेट साहब है उनके वहाँ चले गए, तो आपके ऊपर वो दूसरा वाला नहीं लगने वाला है। आपके ऊपर पहले वाला प्रावधान है, जो पहले वाला क्लोज है वही लगने वाला है, जो 5 साल का है, जो अभी भी है, अभी चालू जो कायदा है उसमें भी वही है। आप लोगों के बहुत सारे दोस्त होंगे जो ड्राइवर होंगे जिनके एक्सीडेंट हुए हैं, उनमें कहीं आपने सुना है कि 3 साल या 5 साल जेल में रहा। वो एक्सीडेंट होता है, पुलिस स्टेशन हाजिर होता है, जमानत होती है और छूट जाते हैं, फिर कोर्ट में केस चलता है। ठीक उसी तरह इसमें भी वैसा है कि आप लोग का एक्सीडेंट किसी से होगा, एक्सीडेंट हुआ, किसी की मृत्यु हुई, आप पुलिस स्टेशन चले गए तो आपके ऊपर वो क्लोज ही नहीं लगेगा 10 साल वाला, बात खत्म हो गई। अगर आपको डर लगता है कि चलो लोग इकट्ठा हो गए और आपको मारेंगे एक्सीडेंट की वजह से, तो वो आपका राइट है कि आप वहाँ से भाग जाओ, पर आप भाग के अपने राज्य में कहीं दूसरी जगह पे ना चले जाओ। आपके ट्रांसपोर्टर है, आपका जो भी सुपरवाइजर है उनके पास जाओ, उनके साथ जाके पुलिस स्टेशन चले जाओ, बात खत्म हो गई। आपका केस भी वहीं निपट जाएगा और कोई पब्लिक वगैरह किसी का डर भी नहीं रहेगा। इसमें अगर कार नहीं मिलती है, ट्रक नहीं मिलता है, तो जो भी आदमी है कमाने वाला जिसकी मृत्यु होती है उसका पूरा परिवार है वो बिल्कुल पीछे धकेला जाता है। फिर उसको फिजिकल हाजिरी जो अपने आदमी है उसकी नहीं मिलती है, ना ही उसका मेंटल सपोर्ट मिलता है क्योंकि आदमी तो चला गया, और मेन चीज़ बच्चों की परवरिश जिसमें उसका एजुकेशन हो, स्टडी हो, वो रुक जाता है, लोगों का खाना पीना रुक जाता है। तो ये सब कब होता है? जब सामने वाले की गाड़ी ना मिले। अगर गाड़ी मिल गई तो आप सभी की गाड़ियों में अभी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहता है, तो इंश्योरेंस वाले पैसे चुका देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब जो है वो मेनली अभी पिछले 5-10 सालों में जो एक्सीडेंट हुए हैं, जो कार वालों ने किए, कई कई जगह पे ट्रक वालों ने भी किए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार वालों ने ही किए, पर ज़्यादातर ऐसे बड़े एक्सीडेंट है जो ओवर स्पीडिंग के हैं वो सभी कार वालों ने किए हुए हैं। तो ड्राइवर यानी आप ऐसा मत समझो कि आप ट्रक के ड्राइवर की बात है इस एक्ट में, सभी ड्राइवर हो, टू व्हीलर का हो, फोर व्हीलर का हो, या किसी का भी ड्राइवर हो, वो सब की बात है इसमें, सब के लिए, कितना बड़ा आदमी हो, कितना छोटा आदमी हो, सबके ऊपर यही एक्ट लगेगा। और जो ये एक्ट लगा है, आप सोचिए आज आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आज ट्रक में है, ठीक है, कल आप भी बाइक लेके कहीं जा रहे होंगे, आप भी चल के साइकिल लेके कहीं जा रहे होंगे, आपका भी एक्सीडेंट होगा, ना करे कुदरत, और आपके साथ कुछ हुआ तो आपके फैमिली के लिए क्या रहेगा? कुछ नहीं, कार ड्राइवर कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा।
आपके परिवार वाले भी कहीं किसी जगह पे ऐसे हो सकते हैं, विक्टिम भोग बन्नार, ठीक है। तो ये सब के लिए है, जनरल सोच के लिया है, किसी के खिलाफ जाके या ड्राइवर को ऐसा करने के लिए नहीं लिया है। और दूसरी बात है, 7 लाख मुआवजे की बात जो हो रही है, ड्राइवर लोग समझ रहे हैं 7 लाख तो जैसे कि एक्सीडेंट हुआ और वहीं के वहीं नहीं बोलेंगे पुलिस या कोई कि चलो 7 लाख भरो अभी के अभी वरना जेल में जाओ। वो तो जब केस चलेगा, ट्रायल चलेगा और उसमें वो कोई आदमी जो ड्राइवर है वो दोषी पाया जाएगा तब की बात है। तो इसमें आप लोग जो गलत बहकावे में आके कुछ करने वाले हैं या कुछ लोगों ने किया है वो वैसा मत करो। ड्राइवर लोग हैं, ठीक है, आप आसाम से, तमिलनाडु से, मणिपुर से, कहाँ कहाँ से यह कमाने आते हैं। आप लोग ये होल्ला में जाओगे तो आपने किया होगा या नहीं किया होगा, आप लोग रोड पे होगे जब भी ब्लॉक होगा तो आप लोग दोषी पाए जाओगे, आपको पकड़ा जाएगा। तो जब एक्सीडेंट होगा तब होगा, शायद ना भी हो पूरी लाइफ में आपसे एक्सीडेंट, उसका विरोध आप कर रहे हैं कि जो होने वाला है नहीं होने वाला जिसका पता नहीं है उसका विरोध आप अब कर रहे हो और उसकी वजह से अभी जेल में जाओगे। जिसके लिए आप विरोध कर रहे हो जेल में ना जाए उसके लिए अभी जेल में जाना पड़ेगा। तो आप अपना दिमाग लगाओ, आपका व्हाट्सएप जो आ रहा है उसके ऊपर सिर्फ निर्भर ना रहो, जो भी वीडियो आ रहे हैं उस पर निर्भर ना रहो। जहां पर भी ब्लॉकेज हुआ, कोई बोल रहा है कोई ड्राइवर ने वीडियो बना के भेजा के मुझे मारा, तो उसको किसने मारा है? आपके ही भाई है ड्राइवर लोग, उन्होंने ही मारा है। कोई पब्लिक को इसमें ये नहीं है कि रोड ब्लॉक करो या ऐसा कुछ करो, आपके भाई है ड्राइवर, उन्होंने इसको मारा होगा। तो ड्राइवर ही ड्राइवर को परेशान कर रहे हैं। पूरे इंडिया में, पूरे गुजरात में पुलिस प्रशासन आपके साथ में है। आपको अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।